बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू होने जा रहे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत में। आज का मुकदमा है कि क्या अदालतों में सियासी मुकदमात सुनने चाहिए या नहीं। आज एक केस की समाअत हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स भी दिए थे, दरख्वास्त गुजारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर ख़ास उस्मान डार और खुर्रम शहजाद, जो दो एप्लीकेंट थे, कि आसिफ अली जरदारी आर्टिकल 61(f)(2) और 1 के तहत वो नाहिल, हाई कोर्ट नाहिल करार दे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने जो उनके पास फ्लैट था वो जो डिक्लेयर नहीं किया अपने असासों में, और उनके पास जो दो गाड़ियां थी वो भी शो नहीं किया, इसीलिए वो सादिक और अमीन नहीं है, उनको नाहिल करार दिया जाए। लेकिन अदालत में जब शुरू में सख्त किस्म के आर्गुमेंट भी हुए थे और रिमार्क्स भी सामने आए थे, जस्टिस साहब ने फरमाया कि अमेरिका के एक जज साहब ने, एक हाजिर सर्विस जज ने लिखा है कि जज स्टीफन ने अपनी एक बुक में लिखा है कि जो भी जिस एप्लीकेंट के पास अगर दूसरे कोई रेमेडी हो उनको अदालतें अवेल नहीं करने चाहिए, अदालतों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर उनके पास कोई दीगर रेमेडी मौजूद ना हो तब अदालतों का रुख करना चाहिए। और आज के मौजू को हम मज़ीद जानने के लिए माहिर कानूनदान जो एक गहरी नज़र रखते हैं कानून पर और सियासत पर भी, डॉक्टर जी एम चौधरी साहब। जी डॉक्टर जी एन चौधरी साहब, आपको वेलकम करते हैं शोबे, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो है सियासी मामलात के फैसले अदालतों में होने चाहिए या नहीं, आप क्या समझते हैं? जी इसमें देखें जी कि जो सियासी मामलात हैं हमारे मुल्क का या किसी भी मुल्क का, जो सबसे बड़ा सुप्रीम कानून होता है वो होता है उसका दस्तूर, और दस्तूर में यकीनन बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिनकी तशरीह या इंटरप्रिटेशन जो है वो मुल्क की जो आला अदलिया है उसके इख्तियार में शामिल है। तो इसलिए मेरा ये ज़ाती तौर पर व्यू है कि जिसे हम पॉलिटिकल क्वेश्चन या सियासी सवाल के नाम से जानते हैं, अगरचे इस पर मुख्तलिफ किस्म के जजमेंट्स हैं कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो अदालतों में नहीं आने चाहिए, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसा इशू आ जाता है जो किसी आइन के आर्टिकल की तशरीह के मतलब है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मतलब है, तो फिर मेरे ख़्याल में यकीनन इस किस्म का इशू जो है वो अदालतें ही हल कर सकती हैं, वो पार्लियामेंट के पास इस किस्म का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो इस किस्म के मामलात को हल कर सकें, और ना ही पार्टीज़ जो हैं वहाँ पर अपने मामलात पर तसल्ली बख्श उनको रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी। ये जानना चाहेंगे कि आज जो रिमार्क्स सामने आए चीफ जस्टिस साहब का, और प्री एडमिशन नोटिस हुए हैं, रिटर्न ऑर्डर भी तहरीरी तौर पर आ गया, तो अब रिटर्न जो प्री एडमिशन नोटिस पे भी थोड़ी सी हमें बता दें हमारे नाज़रीन को कि उसके वो जवाब देने के रिटर्न आर्गूमेंट का भी जिक्र है और प्री एडमिशन नोटिस का भी जिक्र है। आप ये बताइएगा कि प्री एडमिशन नोटिस पे आसिफ अली जरदारी बाउंड है कि वो जवाब दें या जवाब देने के पाबंद नहीं है? जी उसमें देखें कि पहले नंबर पे कोर्ट जो भी डायरेक्शन देती है, अगर कोर्ट ने ये उनको डायरेक्शन दी है जी कि आप अपना तहरीरी जवाब, पैरावाइज कमेंट्स जो हैं वो अदालत में जमा कराएं, तो वो जमा करवाने के पाबंद हैं। बेसिकली देखें कि पैरावाइज कमेंट्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन में ये जवाब दावा जो है उसके मुतरादिफ होता है, और इससे अदालत के सामने जो दोनों फरीक हैं उनका जो नुक्ता नज़र है वो सामने आ जाता है, और फिर बाद में उनके जो वकला हैं उनके दलाइल सुनने के बाद अदालत इस पोजीशन में आ जाती है कि उस मामले का अच्छे तरीके से फैसला कर सके। मैं ये जानना चाहता हूँ ये नोटिस और प्री एडमिशन नोटिस में डिफरेंस क्या है? जी देखें, एक होता है एडमिशन स्टेज और एक होता है प्री एडमिशन स्टेज। एडमिशन स्टेज ये होती है कि जिसमें कोर्ट ये महसूस करता है कि वाकई को आइनी या कानूनी नुक्ता इन्वॉल्व है और उस पिटीशन को बाकायदा तौर पर एडमिट कर लिया जाता है, जबकि प्री एडमिशन का मतलब ये है कि कोर्ट अभी सेटिस्फाई नहीं है कि क्या इस इशू को कोर्ट को देखना चाहिए या नहीं, और इस तरह
कोर्ट प्री एडमिशन नोटिस करती हैं ताकि पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के सामने आ जाए, और फिर अगर ये कोर्ट मुनासिब समझती है कि इस मसले में कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, तो फिर कोर्ट उसमें फॉर्मल नोटिस देकर पार्टीज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नुक्ता नज़र को सुनकर फैसला सादर फरमाती है। जी जी एम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मायराना अंदाज़ पे हमारे नाज़रीन को बता दिया, और कल इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। कल का टॉपिक भी पहले से आपको बता दूं कि कल जी एम चौधरी साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम बेहतर होगा या सदारती निज़ाम। इस हवाले से कल के शो में इंशाल्लाह जो है आप इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। जिन जिन लोगों ने अभी तक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और वो व्यू कर लीजिएगा और कमेंट्स भी कर लीजिएगा। अपने होस्ट जहांगीर असलम बलोच को इजाज़त दीजिएगा, कल मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। कल तक के लिए गुड बाय।